Please subscribe my YouTube channel Uday X-ray and press bell icon for latest update. हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल उदय X-ray। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे कि चेस्ट एक्सरे का APU और PAVU में क्या अंतर है, ठीक है, इसकी पोजीशनिंग में क्या अंतर है और चेस्ट एक्सरे के इमेज में क्या अंतर आता है, ठीक है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चेस्ट एक्सरे का PAVU है, ये कॉमन और बेसिक व्यू है, लेकिन जो इसका APU है ये अल्टरनेट व्यू है, ठीक है। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं ये है चेस्ट का PAVU है, ठीक है, है ना। और इसकी पोजीशनिंग जो होती है ना, पोस्टीरियर टू एंटीरियर साइड्स, ठीक है। PAVU का मतलब होता है पोस्टीरियर टू एंटीरियर, ठीक है। इसकी साइड में आप पोजीशनिंग देख सकते हैं, किस टाइप से पोजीशन है, पेशेंट पोजीशनिंग है ना, ठीक है। और अब इसके बाद जो है हम APU देख लेते हैं। दोस्तों, आप जो ये देख रहे हैं ये है चेस्ट एक्सरे का APU। APU मीन्स होता है दोस्तों एंट्रियर टू पोस्टीरियर, ठीक है। तो इसमें दोस्तों एक्सरे जो है एंट्रियर साइड से पोस्टीरियर साइड के जाते हुए इमेज बनाती है, ठीक है। इसलिए इंटरव्यू टू पोस्टीरियर या APU कहा जाता है, ठीक है। यह चेस्ट PA का अल्टरनेट व्यू है, ठीक है। अगर पेशेंट कॉपरेट नहीं कर रहा है या कोई चोट वाला पेशेंट है जो खड़े होने में इरेक्ट पोजीशन में असमर्थ है, तो उसे या तो लिटा कर सुपाइन पोजीशन में या फिर बैठा कर APU किया जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके डिटेल में देखते हैं APU और PAVU में क्या अंतर है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो देख रहे हैं आप ये है चेस्ट एक्सरे का APU और PAVU। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है चेस्ट एक्सरे के APU एंड PAVU में, तो आज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यह है चेस्ट एक्सरे का APU है और यह है चेस्ट एक्सरे का PAVU, ठीक है। APU मीन्स एंटीरियर टू पोस्टीरियर व्यू और PAVU मीन्स पोस्टीरियर टू एंटीरियर व्यू, ठीक है। यह दो कॉमन व्यू है चेस्ट एक्सरे के, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है इसकी इमेज में APU एंड PAVU की इमेज में एक्सरे की, तो हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्लेविकल देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले ये इसकी क्लेविकल बोन है ना, लेफ्ट क्लेविकल राइट क्लेविकल, ठीक है। तो क्लेविकल APU की क्लेविकल और क्लेविकल है ना। तो इसकी क्लेविकल देखिए APU में, ये क्लेविकल अपेक्स जो है लंग्स का, ये अपेक्स कहलाता है ना, ये अपेक्स से ऊपर की ओर झुका रहता है, ठीक है, जैसे ऊपर की ओर जा रही है ना। और इसमें PAVU में देख लीजिए, जो अपेक्स के नीचे साइड में अपीयर हो रही है, जो क्लेविकल है लंग्स, ये अपेक्स हो गया लंग्स का, इसके नीचे साइड में अपीयर हो रही है, ठीक है। जबकि APU में हमने देखा था क्लेविकल ऊपर साइड की ओर जा रही है ना, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं स्केपुला, ठीक है। स्केपुला भी मेन डिफरेंस करता है इनमें आपस में दोनों में, APU और PAVU में। तो APU में देखिए दोस्तों, जो स्केपुला है, ठीक है, वो लंग्स फील्ड को ओवरलैप करता है। जैसे ये ट्रायंगल बोन जो स्केपुला है, तो यहाँ से जो लंग्स फील्ड है ना, यहाँ से इसको ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। ये राइट स्केपुला और ये लेफ्ट स्केपुला, तो यहाँ से यहाँ तक ये ओवरलैप कर रहा है लंग्स फील्ड को। जबकि PAVU में जो स्केपुला है वो कम से कम या नहीं के बराबर ओवरलैप करता है लंग्स फील्ड को। जैसे ये राइट स्केपुला है, लेफ्ट में देख लीजिए, ये लेफ्ट स्केपुला ये बाहर की ओर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें देख लीजिए लेफ्ट स्केपुला है ना, ये आपको लंग्स फील्ड की बाहर की ओर दिखेगा, ठीक है। अब तीसरा है रिप्स, तो रिप्स की बात कर लें, तो रिप्स इसमें थोड़ी जो APU में रिप्स जो है अच्छी तरीके से विजिबल होती है, दिखाई देती है, पोस्टीरियर रिप अच्छे से दिखाई देती है,
और एंट्रियर रिब्स जो है वो थोड़ी सी कम दिखाई देती है, जबकि पीयू में पोस्टेरियर रिब्स थोड़ी कम दिखाई देती है, जबकि एंट्रियर रिब्स अच्छे से दिखाई दे रही है। ठीक है, देख पा रहे हैं। अब तीसरा है हार्ट साइड। तो दोस्तों एपीयू में जो हार्ट शेडो है, ये हार्ट का जो डायमीटर है वो अपन इसमें अच्छे से मेजरमेंट नहीं कर पाते, जबकि पीएवी में अपन इसका हार्ट शेडो कार्डियोमेगाली है या नहीं है, हार्ट का साइज बड़ा है, ये मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है कि इसका वर्ट्रीबा। ठीक है, वर्ट्रीबा इसमें देखिए दोस्तों, आपको एपीयू में अच्छे से विजिबल होगा वर्ट्रीबा, ये थोरेसिक वर्ट्रीबा जो है ना, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T12 तक अच्छे से वर्ट्रीबा काउंट कर सकते हैं, दिख रहा है। जबकि पीएवी में हार्ट के बीच से आपको बिल्कुल हल्का सा दिखाई देगा, मतलब उतना क्लियर निकाई नहीं देता है। ठीक है, पीयू में। ठीक है, और उसके बाद लंग्स एरिया जो है, लंग्स फील्ड, वह एपीयू में अच्छे से दिखाई नहीं देता है ना, क्लियरली, जबकि पीयू में आपको स्पेशली लंग्स अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, ये राइट लंग्स की शेडो, यह लेफ्ट लंग्स। ठीक है, तो इस टाइप से एपी और पीयू में डिफरेंस करते हैं। ठीक है, कि कैसे दिखाई देती है एपीयू की इमेज और पीयू की इमेज। ठीक है।